दोस्तों, अगर आप सिंघम अगेन मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिंघम अगेन मूवी के बारे में। तो दोस्तों, ये मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है। तो दोस्तों, आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको 1 नवंबर 2024 को रिलीज की जाएगी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, जो कि दोस्तों जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। दोस्तों, आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों, यह मूवी 1 नवंबर 2024 को इस दिवाली पर रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को दिवाली पर देख सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की। जो दोस्तों, इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोण, अजय देवगन, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, विक्की कौशल, करीना कपूर और अर्जुन कपूर आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, आप अपनी फैमिली के साथ एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी का बजट था 350 करोड़ से 375 करोड़ के करीब। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सिंघम अगेन रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित एक आगमनी भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रिलायंस एंटरटेनमेंट, जियो स्टूडियो और अजित देवगन फिल्म के तहत रोहित शेट्टी पिक्चर्स के तहत इसे सर निर्मित भी किया था। फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में है। उनके साथ करीना कपूर खान, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर और जेके श्रॉफ हैं। यह सेटी कॉपी यूनिवर्स की पांचवी किस्त है और सिंघम रिटर्न 2014 का सीधा स्केल है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2017 में सिंघम 3 के तहत की गई थी और आधारिक शीर्ष पर घोषणा 2022 में की गई थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2023 में शुरू हुई और सितंबर 2024 में समाप्त हो गई थी। फिल्म की शूटिंग बम्बई, हैदराबाद, कश्मीर, श्रीलंका में हुई है। यह दीपावली के साथ मेल खाते में 1 नवंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। बाजीराव सिंघम रामायण के अनुसरण के करना पड़ता है, जबकि उनकी पत्नी अगवनी आतंकवादी डेजर लंका का द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। दूसरा शेड्यूल 5 अक्टूबर को हैदराबाद में शुरू हुआ था, जहां सबकी कलाकारों के साथ फिल्म के बड़े हिस्से पर, जिसमें एक्शन में भरपूर क्लाइमेक्स भी शामिल किए गए थे, शूटिंग की गई थी। करीना कपूर 6 अक्टूबर को सेट पर शामिल हुई थी। अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर सेट पर शामिल हुए थे। अक्षय कुमार के 15 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा दिया था। रणवीर सिंह के 20 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा कर लिया था। दूसरा शेड्यूल 7 नवंबर को पूरा किया गया था। तो दोस्तों, आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके।
तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 3 घंटा में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को 3 घंटे के अंदर देख पाएंगे। दोस्तों दिवाली पर आप अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप सिंघम अगेन मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिंघम अगेन मूवी के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको 1 नवंबर 2024 को रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, जो कि दोस्तों जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों यह मूवी 1 नवंबर 2024 को इस दिवाली पर रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को दिवाली पर देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की। जो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोण, अजय देवगन, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, विक्की कौशल, करीना कपूर और अर्जुन कपूर आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आप अपनी फैमिली के साथ एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी का बजट था 350 करोड़ से 375 करोड़ के करीब। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सिंघम अगेन रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित एक आगमनी भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रिलायंस एंटरटेनमेंट, जियो स्टूडियो और अजीत देवगन फिल्म के तहत रोहित शेट्टी पिक्चर्स के तहत इसे निर्मित भी किया था। फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में है, उनके साथ करीना कपूर खान, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर और जेके श्रॉफ हैं। यह सेटी कॉपी यूनिवर्स की 5वीं किस्त है और सिंघम रिटर्न 2014 का सीधा स्केल है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2017 में सिंघम 3 के तहत की गई थी और आधारिक शीर्ष पर घोषणा 2022 में की गई थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2023 में शुरू हुई और सितंबर 2024 में समाप्त हो गई थी। फिल्म की शूटिंग बम्बई, हैदराबाद, कश्मीर, श्रीलंका में हुई है। यह दीपावली के साथ मेल खाते में 1 नवंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। बाजीराव सिंघम रामायण के अनुसरण के करना पड़ता है, जबकि उनकी पत्नी अगवनी आतंकवादी डेजर लंका का द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। दूसरा शेड्यूल 5 अक्टूबर को हैदराबाद में शुरू हुआ था, जहां सभी कलाकारों के साथ फिल्म के बड़े हिस्से पर, जिसमें एक्शन में भरपूर क्लाइमेक्स भी शामिल किए गए थे, शूटिंग की गई थी। करीना कपूर 6 अक्टूबर को सेट पर शामिल हुई थी। अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर सेट पर शामिल हुए थे। अक्षय कुमार के 15 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा दिया था। रणवीर सिंह के
20 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा कर लिया था, दूसरा शेड्यूल 7 नवंबर को पूरा किया गया था। तो दोस्तों आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 3 घंटा में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को 3 घंटे के अंदर देख पाएंगे। दोस्तों दिवाली पर आप अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप सिंघम अगेन मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिंघम अगेन मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको 1 नवंबर 2024 को रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, जो कि दोस्तों जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों यह मूवी 1 नवंबर 2024 को इस दिवाली पर रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को दिवाली पर देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की। जो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोण, अजय देवगन, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, विक्की कौशल, करीना कपूर और अर्जुन कपूर आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आप अपनी फैमिली के साथ एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी का बजट था 350 करोड़ से 375 करोड़ के करीब। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सिंघम अगेन रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित एक आगमनी भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रिलायंस एंटरटेनमेंट, जियो स्टूडियो और अजीत देवगन फिल्म के तहत रोहित शेट्टी पिक्चर्स के तहत इसे निर्मित भी किया था। फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में है, उनके साथ करीना कपूर खान, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर और जेके श्रॉफ हैं। यह सेटी कॉपी यूनिवर्स की 5वीं किस्त है और सिंघम रिटर्न 2014 का सीधा स्केल है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2017 में सिंघम 3 के तहत की गई थी और आधारिक शीर्ष पर घोषणा 2022 में की गई थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2023 में शुरू हुई और सितंबर 2024 में समाप्त हो गई थी। फिल्म की शूटिंग बम्बई, हैदराबाद, कश्मीर,
श्रीलंका में हुई है। यह दीपावली के साथ मेल खाते में 1 नवंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। बाजीराव सिंघम रामायण के अनुसरण के करना पड़ता है, जबकि उनकी पत्नी अगवनी आतंकवादी डेजर लंका का द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। दूसरा शेड्यूल 5 अक्टूबर को हैदराबाद में शुरू हुआ था, जहां सबकी कलाकारों के साथ फिल्म के बड़े हिस्से पर, जिसमें एक्शन में भरपूर क्लाइमेक्स भी शामिल किए गए थे, शूटिंग की गई थी। करीना कपूर 6 अक्टूबर को सेट पर शामिल हुई थी। अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर सेट पर शामिल हुए थे। अक्षय कुमार के 15 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा दिया था। रणवीर सिंह के 20 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा कर लिया था। दूसरा शेड्यूल 7 नवंबर को पूरा किया गया था। तो दोस्तों, आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 3 घंटा में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को 3 घंटे के अंदर देख पाएंगे। दोस्तों, दिवाली पर आप अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप सिंघम अगेन मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिंघम अगेन मूवी के बारे में। तो दोस्तों, यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है। तो दोस्तों, आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको 1 नवंबर 2024 को रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, जो कि दोस्तों जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। दोस्तों, आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों, यह मूवी 1 नवंबर 2024 को इस दिवाली पर रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को दिवाली पर देख सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की। जो दोस्तों, इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोण, अजय देवगन, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, विक्की कौशल, करीना कपूर और अर्जुन कपूर आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, आप अपनी फैमिली के साथ एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी का बजट था 350 करोड़ से 375 करोड़ के करीब। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में।
सिंघम अगेन रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित एक आगमनी भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रिलायंस एंटरटेनमेंट जियो स्टूडियो और अजीत देवगन फिल्म के तहत रोहित शेट्टी पिक्चर्स के तहत इसे निर्मित भी किया था। फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में है। उनके साथ करीना कपूर खान, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर और जेके श्रॉफ हैं। यह सेटी कॉपी यूनिवर्स की पांचवी किस्त है और सिंघम रिटर्न 2014 का सीधा स्केल है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2017 में सिंघम 3 के तहत की गई थी और आधिकारिक शीर्ष पर घोषणा 2022 में की गई थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2023 में शुरू हुई और सितंबर 2024 में समाप्त हो गई थी। फिल्म की शूटिंग बम्बई, हैदराबाद, कश्मीर, श्रीलंका में हुई है। यह दीपावली के साथ मेल खाते में 1 नवंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। बाजीराव सिंघम रामायण के अनुसरण के करना पड़ता है, जबकि उनकी पत्नी अग्वनी आतंकवादी डेजर लंका का द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। दूसरा शेड्यूल 5 अक्टूबर को हैदराबाद में शुरू हुआ था, जहां सबकी कलाकारों के साथ फिल्म के बड़े हिस्से पर, जिसमें एक्शन में भरपूर क्लाइमेक्स भी शामिल किए गए थे, शूटिंग की गई थी। करीना कपूर 6 अक्टूबर को सेट पर शामिल हुई थी। अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर सेट पर शामिल हुए थे। अक्षय कुमार के 15 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा दिया था। रणवीर सिंह के 20 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा कर लिया था। दूसरा शेड्यूल 7 नवंबर को पूरा किया गया था। तो दोस्तों, आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 3 घंटा में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को 3 घंटे के अंदर देख पाएंगे। दोस्तों, दिवाली पर आप अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप सिंघम अगेन मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिंघम अगेन मूवी के बारे में। तो दोस्तों, यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है। तो दोस्तों, आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको 1 नवंबर 2024 को रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, जो कि दोस्तों जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। दोस्तों, आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों, यह मूवी 1 नवंबर 2024 को इस दिवाली पर रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को दिवाली पर देख सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की। जो दोस्तों, इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोण, अजय देवगन, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, विक्की कौशल,
करीना कपूर और अर्जुन कपूर आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, आप अपनी फैमिली के साथ एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी का बजट था 350 करोड़ से 375 करोड़ के करीब। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सिंघम अगेन रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित एक आगमनी भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रिलायंस एंटरटेनमेंट, जियो स्टूडियो और अजीत देवगन फिल्म के तहत रोहित शेट्टी पिक्चर्स के तहत इसे निर्मित भी किया था। फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में है। उनके साथ करीना कपूर खान, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर और जेके श्रॉफ हैं। यह सेटी कॉपी यूनिवर्स की पांचवी किस्त है और सिंघम रिटर्न 2014 का सीधा स्केल है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2017 में सिंघम 3 के तहत की गई थी और आधारिक शीर्ष पर घोषणा 2022 में की गई थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2023 में शुरू हुई और सितंबर 2024 में समाप्त हो गई थी। फिल्म की शूटिंग बम्बई, हैदराबाद, कश्मीर, श्रीलंका में हुई है। यह दीपावली के साथ मेल खाते में 1 नवंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। बाजीराव सिंघम रामायण के अनुसरण के करना पड़ता है, जबकि उनकी पत्नी अग्वनी आतंकवादी डेजर लंका का द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। दूसरा शेड्यूल 5 अक्टूबर को हैदराबाद में शुरू हुआ था, जहां सबकी कलाकारों के साथ फिल्म के बड़े हिस्से पर, जिसमें एक्शन में भरपूर क्लाइमेक्स भी शामिल किए गए थे, शूटिंग की गई थी। करीना कपूर 6 अक्टूबर को सेट पर शामिल हुई थी। अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर सेट पर शामिल हुए थे। अक्षय कुमार के 15 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा दिया था। रणवीर सिंह के 20 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा कर लिया था। दूसरा शेड्यूल 7 नवंबर को पूरा किया गया था। तो दोस्तों, आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 3 घंटा में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को 3 घंटे के अंदर देख पाएंगे। दोस्तों, दिवाली पर आप अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप सिंघम अगेन मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिंघम अगेन मूवी के बारे में। तो दोस्तों, यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है। तो दोस्तों, आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको 1 नवंबर 2024 को रिलीज की जाएगी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, जो कि दोस्तों जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। दोस्तों, आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम
अपडेट मिल सके। दोस्तों यह मूवी 1 नवंबर 2024 को इस दिवाली पर रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को दिवाली पर देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की। जो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोण, अजय देवगन, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, विक्की कौशल, करीना कपूर और अर्जुन कपूर आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आप अपनी फैमिली के साथ एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी का बजट था 350 करोड़ से 375 करोड़ के करीब। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सिंघम अगेन रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित एक आगमनी भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रिलायंस एंटरटेनमेंट, जियो स्टूडियो और अजित देवगन फिल्म के तहत रोहित शेट्टी पिक्चर्स के तहत इसे सर निर्मित भी किया था। फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में है। उनके साथ करीना कपूर खान, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर और जेके श्रॉफ हैं। यह सेटी कॉपी यूनिवर्स की पांचवी किस्त है और सिंघम रिटर्न 2014 का सीधा स्केल है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2017 में सिंघम 3 के तहत की गई थी और आधारिक शीर्ष पर घोषणा 2022 में की गई थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2023 में शुरू हुई और सितंबर 2024 में समाप्त हो गई थी। फिल्म की शूटिंग बम्बई, हैदराबाद, कश्मीर, श्रीलंका में हुई है। यह दीपावली के साथ मेल खाते में 1 नवंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। बाजीराव सिंघम रामायण के अनुसरण के करना पड़ता है, जबकि उनकी पत्नी अग्वनी आतंकवादी डेजर लंका का द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। दूसरा शेड्यूल 5 अक्टूबर को हैदराबाद में शुरू हुआ था, जहां सबकी कलाकारों के साथ फिल्म के बड़े हिस्से पर जिसमें एक्शन में भरपूर क्लाइमेक्स भी शामिल किए गए थे शूटिंग की गई थी। करीना कपूर 6 अक्टूबर को सेट पर शामिल हुई थी। अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर सेट पर शामिल हुए थे। अक्षय कुमार के 15 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा दिया था। रणवीर सिंह के 20 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा कर लिया था। दूसरा शेड्यूल 7 नवंबर को पूरा किया गया था। तो दोस्तों आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 3 घंटा में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को 3 घंटे के अंदर देख पाएंगे। दोस्तों दिवाली पर आप अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप सिंघम अगेन मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिंघम अगेन मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको 1 नवंबर 2024 को रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है,
जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, जो कि दोस्तों जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। दोस्तों, आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों, यह मूवी 1 नवंबर 2024 को इस दिवाली पर रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को दिवाली पर देख सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की। जो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोण, अजय देवगन, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, विक्की कौशल, करीना कपूर और अर्जुन कपूर आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, आप अपनी फैमिली के साथ एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी का बजट था 350 करोड़ से 375 करोड़ के करीब। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सिंघम अगेन रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित एक आगमनी भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रिलायंस एंटरटेनमेंट, जियो स्टूडियो और अजित देवगन फिल्म के तहत रोहित शेट्टी पिक्चर्स के तहत इसे सर निर्मित भी किया था। फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में है। उनके साथ करीना कपूर खान, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर और जेके श्रॉफ हैं। यह सेटी कॉपी यूनिवर्स की पांचवी किस्त है और सिंघम रिटर्न 2014 का सीधा स्केल है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2017 में सिंघम 3 के तहत की गई थी और आधारिक शीर्ष पर घोषणा 2022 में की गई थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2023 में शुरू हुई और सितंबर 2024 में समाप्त हो गई थी। फिल्म की शूटिंग बम्बई, हैदराबाद, कश्मीर, श्रीलंका में हुई है। यह दीपावली के साथ मेल खाते में 1 नवंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। बाजीराव सिंघम रामायण के अनुसरण के करना पड़ता है, जबकि उनकी पत्नी अगवनी आतंकवादी डेजर लंका का द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। दूसरा शेड्यूल 5 अक्टूबर को हैदराबाद में शुरू हुआ था, जहां सबकी कलाकारों के साथ फिल्म के बड़े हिस्से पर, जिसमें एक्शन में भरपूर क्लाइमेक्स भी शामिल किए गए थे, शूटिंग की गई थी। करीना कपूर 6 अक्टूबर को सेट पर शामिल हुई थी। अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर सेट पर शामिल हुए थे। अक्षय कुमार के 15 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा दिया था। रणवीर सिंह के 20 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा कर लिया था। दूसरा शेड्यूल 7 नवंबर को पूरा किया गया था। तो दोस्तों, आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 3 घंटा में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को 3 घंटे के अंदर देख पाएंगे। दोस्तों, दिवाली पर आप अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप सिंघम अगेन मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिंघम अगेन मूवी के बारे में। तो दोस्तों, यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए
कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको 1 नवंबर 2024 को रिलीज की जाएगी। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, जो कि दोस्तों जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों यह मूवी 1 नवंबर 2024 को इस दिवाली पर रिलीज की जाएगी। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को दिवाली पर देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की। जो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोण, अजय देवगन, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, विक्की कौशल, करीना कपूर और अर्जुन कपूर आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आप अपनी फैमिली के साथ एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी का बजट था 350 करोड़ से 375 करोड़ के करीब। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सिंघम अगेन रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित एक आगमनी भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रिलायंस एंटरटेनमेंट, जियो स्टूडियो और अजीत देवगन फिल्म के तहत रोहित शेट्टी पिक्चर्स के तहत इसे निर्मित भी किया था। फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में है। उनके साथ करीना कपूर खान, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर और जेके श्रॉफ हैं। यह सेटी कॉपी यूनिवर्स की पांचवी किस्त है और सिंघम रिटर्न 2014 का सीधा स्केल है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2017 में सिंघम 3 के तहत की गई थी और आधारिक शीर्ष पर घोषणा 2022 में की गई थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2023 में शुरू हुई और सितंबर 2024 में समाप्त हो गई थी। फिल्म की शूटिंग बम्बई, हैदराबाद, कश्मीर, श्रीलंका में हुई है। यह दीपावली के साथ मेल खाते में 1 नवंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। बाजीराव सिंघम रामायण के अनुसरण के करना पड़ता है, जबकि उनकी पत्नी अगवनी आतंकवादी डेजर लंका का द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। दूसरा शेड्यूल 5 अक्टूबर को हैदराबाद में शुरू हुआ था, जहां सबकी कलाकारों के साथ फिल्म के बड़े हिस्से पर जिसमें एक्शन में भरपूर क्लाइमेक्स भी शामिल किए गए थे शूटिंग की गई थी। करीना कपूर 6 अक्टूबर को सेट पर शामिल हुई थी। अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर सेट पर शामिल हुए थे। अक्षय कुमार के 15 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा दिया था। रणवीर सिंह के 20 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा कर लिया था। दूसरा शेड्यूल 7 नवंबर को पूरा किया गया था। तो दोस्तों आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 3 घंटा में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को 3 घंटे के अंदर देख पाएंगे। दोस्तों दिवाली पर आप अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप सिंघम अगेन मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा।
आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिंघम अगेन मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको 1 नवंबर 2024 को रिलीज की जाएगी। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, जो कि दोस्तों जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों यह मूवी 1 नवंबर 2024 को इस दिवाली पर रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को दिवाली पर देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की। जो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोण, अजय देवगन, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, विक्की कौशल, करीना कपूर और अर्जुन कपूर आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आप अपनी फैमिली के साथ एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी का बजट था 350 करोड़ से 375 करोड़ के करीब। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सिंघम अगेन रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित एक आगमनी भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रिलायंस एंटरटेनमेंट, जियो स्टूडियो और अजित देवगन फिल्म के तहत रोहित शेट्टी पिक्चर्स के तहत इसे निर्मित भी किया था। फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में है, उनके साथ करीना कपूर खान, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर और जेके श्रॉफ हैं। यह सेट्टी कॉपी यूनिवर्स की पांचवी किस्त है और सिंघम रिटर्न 2014 का सीधा स्केल है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2017 में सिंघम 3 के तहत की गई थी और आधारिक शीर्ष पर घोषणा 2022 में की गई थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2023 में शुरू हुई और सितंबर 2024 में समाप्त हो गई थी। फिल्म की शूटिंग बम्बई, हैदराबाद, कश्मीर, श्रीलंका में हुई है। यह दीपावली के साथ मेल खाते में 1 नवंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। बाजीराव सिंघम रामायण के अनुसरण के करना पड़ता है, जबकि उनकी पत्नी अगवनी आतंकवादी डेजर लंका का द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। दूसरा शेड्यूल 5 अक्टूबर को हैदराबाद में शुरू हुआ था, जहां सबकी कलाकारों के साथ फिल्म के बड़े हिस्से पर जिसमें एक्शन में भरपूर क्लाइमेक्स भी शामिल किए गए थे शूटिंग की गई थी। करीना कपूर 6 अक्टूबर को सेट पर शामिल हुई थी। अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर सेट पर शामिल हुए थे। अक्षय कुमार के 15 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा दिया था। रणवीर सिंह के 20 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा कर लिया था। दूसरा शेड्यूल 7 नवंबर को पूरा किया गया था। तो दोस्तों आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके।
तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 3 घंटा में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को 3 घंटे के अंदर देख पाएंगे। दोस्तों दिवाली पर आप अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप सिंघम अगेन मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिंघम अगेन मूवी के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको 1 नवंबर 2024 को रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, जो कि दोस्तों जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों यह मूवी 1 नवंबर 2024 को इस दिवाली पर रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को दिवाली पर देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की। जो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोण, अजय देवगन, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, विक्की कौशल, करीना कपूर और अर्जुन कपूर आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आप अपनी फैमिली के साथ एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी का बजट था 350 करोड़ से 375 करोड़ के करीब। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सिंघम अगेन रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित एक आगमनी भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रिलायंस एंटरटेनमेंट, जियो स्टूडियो और अजित देवगन फिल्म के तहत रोहित शेट्टी पिक्चर्स के तहत इसे निर्मित भी किया था। फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में है, उनके साथ करीना कपूर खान, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर और जेके श्रॉफ हैं। यह सेट्टी कॉपी यूनिवर्स की 5वीं किस्त है और सिंघम रिटर्न 2014 का सीधा स्केल है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2017 में सिंघम 3 के तहत की गई थी और आधारिक शीर्ष पर घोषणा 2022 में की गई थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2023 में शुरू हुई और सितंबर 2024 में समाप्त हो गई थी। फिल्म की शूटिंग बम्बई, हैदराबाद, कश्मीर, श्रीलंका में हुई है। यह दीपावली के साथ मेल खाते में 1 नवंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। बाजीराव सिंघम रामायण के अनुसरण के करना पड़ता है, जबकि उनकी पत्नी अगवनी आतंकवादी डेजर लंका का द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। दूसरा शेड्यूल 5 अक्टूबर को हैदराबाद में शुरू हुआ था, जहां सबकी कलाकारों के साथ फिल्म के बड़े हिस्से पर, जिसमें एक्शन में भरपूर क्लाइमेक्स भी शामिल किए गए थे, शूटिंग की गई थी। करीना कपूर 6 अक्टूबर को सेट पर शामिल हुई थी। अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर सेट पर शामिल हुए थे। अक्षय कुमार के 15 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा दिया था। रणवीर सिंह के 20 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा
कर लिया था। दूसरा शेड्यूल 7 नवंबर को पूरा किया गया था। तो दोस्तों आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 3 घंटा में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को 3 घंटे के अंदर देख पाएंगे। दोस्तों दिवाली पर आप अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप सिंघम अगेन मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिंघम अगेन मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको 1 नवंबर 2024 को रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, जो कि दोस्तों जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों यह मूवी 1 नवंबर 2024 को इस दिवाली पर रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को दिवाली पर देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की। जो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोण, अजय देवगन, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, विक्की कौशल, करीना कपूर और अर्जुन कपूर आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आप अपनी फैमिली के साथ एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी का बजट था 350 करोड़ से 375 करोड़ के करीब। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सिंघम अगेन रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित एक आगमनी भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रिलायंस एंटरटेनमेंट, जियो स्टूडियो और अजित देवगन फिल्म के तहत रोहित शेट्टी पिक्चर्स के तहत इसे निर्मित भी किया था। फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में है, उनके साथ करीना कपूर खान, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर और जेके श्रॉफ हैं। यह सेट्टी कॉपी यूनिवर्स की 5वीं किस्त है और सिंघम रिटर्न 2014 का सीधा स्केल है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2017 में सिंघम 3 के तहत की गई थी और आधारिक शीर्ष पर घोषणा 2022 में की गई थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2023 में शुरू हुई और सितंबर 2024 में समाप्त हो गई थी। फिल्म की शूटिंग बम्बई, हैदराबाद, कश्मीर, श्रीलंका में हुई है। यह दीपावली के साथ मेल खाते में 1 नवंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। बाजीराव सिंघम रामायण के अनुसरण के करना पड़ता है, जबकि उनकी पत्नी अगवनी आतंकवादी डेजर लंका का द्वारा अपहरण कर लिया जाता है।
दूसरा शेड्यूल 5 अक्टूबर को हैदराबाद में शुरू हुआ था, जहां सबकी कलाकारों के साथ फिल्म के बड़े हिस्से पर जिसमें एक्शन में भरपूर क्लाइमैक्स भी शामिल किए गए थे शूटिंग की गई थी। करीना कपूर 6 अक्टूबर को सेट पर शामिल हुई थी। अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर सेट पर शामिल हुए थे। अक्षय कुमार के 15 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा दिया था। रणवीर सिंह के 20 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा कर लिया था। दूसरा शेड्यूल 7 नवंबर को पूरा किया गया था। तो दोस्तों, आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 3 घंटा में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को 3 घंटे के अंदर देख पाएंगे। दोस्तों, दिवाली पर आप अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप सिंघम अगेन मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिंघम अगेन मूवी के बारे में। तो दोस्तों, यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है। तो दोस्तों, आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको 1 नवंबर 2024 को रिलीज की जाएगी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, जो कि दोस्तों जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। दोस्तों, आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों, यह मूवी 1 नवंबर 2024 को इस दिवाली पर रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को दिवाली पर देख सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की। जो दोस्तों, इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोण, अजय देवगन, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, विक्की कौशल, करीना कपूर और अर्जुन कपूर आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, आप अपनी फैमिली के साथ एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी का बजट था 350 करोड़ से 375 करोड़ के करीब। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सिंघम अगेन रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित एक आगमनी भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रिलायंस एंटरटेनमेंट, जियो स्टूडियो और अजित देवगन फिल्म के तहत रोहित शेट्टी पिक्चर्स के तहत इसे निर्मित भी किया था। फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में है। उनके साथ करीना कपूर खान, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर और जेके श्रॉफ हैं। यह सेटी कॉपी यूनिवर्स की 5वीं किस्त है और सिंघम रिटर्न 2014 का सीधा स्केल है।
फिल्म की घोषणा सितंबर 2017 में सिंघम 3 के तहत की गई थी और आधिकारिक शीर्ष पर घोषणा 2022 में की गई थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2023 में शुरू हुई और सितंबर 2024 में समाप्त हो गई थी। फिल्म की शूटिंग बम्बई, हैदराबाद, कश्मीर, श्रीलंका में हुई है। यह दीपावली के साथ मेल खाते में 1 नवंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। बाजीराव सिंघम रामायण के अनुसरण के करना पड़ता है, जबकि उनकी पत्नी अग्वनी आतंकवादी डेजर लंका का द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। दूसरा शेड्यूल 5 अक्टूबर को हैदराबाद में शुरू हुआ था, जहां सबकी कलाकारों के साथ फिल्म के बड़े हिस्से पर, जिसमें एक्शन में भरपूर क्लाइमैक्स भी शामिल किए गए थे, शूटिंग की गई थी। करीना कपूर 6 अक्टूबर को सेट पर शामिल हुई थी। अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर सेट पर शामिल हुए थे। अक्षय कुमार के 15 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा दिया था। रणवीर सिंह के 20 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा कर लिया था। दूसरा शेड्यूल 7 नवंबर को पूरा किया गया था। तो दोस्तों, आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 3 घंटा में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को 3 घंटे के अंदर देख पाएंगे। दोस्तों, दिवाली पर आप अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप सिंघम अगेन मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिंघम अगेन मूवी के बारे में। तो दोस्तों, यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है। तो दोस्तों, आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको 1 नवंबर 2024 को रिलीज की जाएगी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, जो कि दोस्तों जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। दोस्तों, आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों, यह मूवी 1 नवंबर 2024 को इस दिवाली पर रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को दिवाली पर देख सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की। जो दोस्तों, इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोण, अजय देवगन, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, विक्की कौशल, करीना कपूर और अर्जुन कपूर आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, आप अपनी फैमिली के साथ एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी का बजट था 350 करोड़ से 375 करोड़ के करीब। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में।
सिंघम अगेन रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित एक आगमनी भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रिलायंस एंटरटेनमेंट, जियो स्टूडियो और अजीत देवगन फिल्म के तहत रोहित शेट्टी पिक्चर्स के तहत इसे निर्मित भी किया था। फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में है। उनके साथ करीना कपूर खान, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर और जेके श्रॉफ हैं। यह सेटी कॉपी यूनिवर्स की पांचवी किस्त है और सिंघम रिटर्न 2014 का सीधा स्केल है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2017 में सिंघम 3 के तहत की गई थी और आधिकारिक शीर्ष पर घोषणा 2022 में की गई थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2023 में शुरू हुई और सितंबर 2024 में समाप्त हो गई थी। फिल्म की शूटिंग बम्बई, हैदराबाद, कश्मीर, श्रीलंका में हुई है। यह दीपावली के साथ मेल खाते में 1 नवंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। बाजीराव सिंघम रामायण के अनुसरण के करना पड़ता है, जबकि उनकी पत्नी अगवनी आतंकवादी डेजर लंका का द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। दूसरा शेड्यूल 5 अक्टूबर को हैदराबाद में शुरू हुआ था, जहां सबकी कलाकारों के साथ फिल्म के बड़े हिस्से पर, जिसमें एक्शन में भरपूर क्लाइमैक्स भी शामिल किए गए थे, शूटिंग की गई थी। करीना कपूर 6 अक्टूबर को सेट पर शामिल हुई थी। अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर सेट पर शामिल हुए थे। अक्षय कुमार के 15 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा दिया था। रणवीर सिंह के 20 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा कर लिया था। दूसरा शेड्यूल 7 नवंबर को पूरा किया गया था। तो दोस्तों, आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 3 घंटा में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को 3 घंटे के अंदर देख पाएंगे। दोस्तों, दिवाली पर आप अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप सिंघम अगेन मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिंघम अगेन मूवी के बारे में। तो दोस्तों, यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है। तो दोस्तों, आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको 1 नवंबर 2024 को रिलीज की जाएगी। जी हां दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, जो कि दोस्तों जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। दोस्तों, आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों, यह मूवी 1 नवंबर 2024 को इस दिवाली पर रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को दिवाली पर देख सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की। जो दोस्तों, इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोण, अजय देवगन, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, विक्की कौशल,
करीना कपूर और अर्जुन कपूर आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आप अपनी फैमिली के साथ एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी का बजट था 350 करोड़ से 375 करोड़ के करीब। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सिंघम अगेन रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित एक आगमनी भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रिलायंस एंटरटेनमेंट जियो स्टूडियो और अजीत देवगन फिल्म के तहत रोहित शेट्टी पिक्चर्स के तहत इसे निर्मित भी किया था। फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में है। उनके साथ करीना कपूर खान, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर और जेके श्रॉफ हैं। यह सेटी कॉपी यूनिवर्स की पांचवी किस्त है और सिंघम रिटर्न 2014 का सीधा स्केल है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2017 में सिंघम 3 के तहत की गई थी और आधिकारिक शीर्ष पर घोषणा 2022 में की गई थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2023 में शुरू हुई और सितंबर 2024 में समाप्त हो गई थी। फिल्म की शूटिंग बम्बई, हैदराबाद, कश्मीर, श्रीलंका में हुई है। यह दीपावली के साथ मेल खाते में 1 नवंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। बाजीराव सिंघम रामायण के अनुसरण के करना पड़ता है, जबकि उनकी पत्नी अगवनी आतंकवादी डेजर लंका का द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। दूसरा शेड्यूल 5 अक्टूबर को हैदराबाद में शुरू हुआ था, जहां सबकी कलाकारों के साथ फिल्म के बड़े हिस्से पर जिसमें एक्शन में भरपूर क्लाइमेक्स भी शामिल किए गए थे शूटिंग की गई थी। करीना कपूर 6 अक्टूबर को सेट पर शामिल हुई थी। अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर सेट पर शामिल हुए थे। अक्षय कुमार के 15 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा दिया था। रणवीर सिंह के 20 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा कर लिया था। दूसरा शेड्यूल 7 नवंबर को पूरा किया गया था। तो दोस्तों आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 3 घंटा में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को 3 घंटे के अंदर देख पाएंगे। दोस्तों दिवाली पर आप अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप सिंघम अगेन मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिंघम अगेन मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको 1 नवंबर 2024 को रिलीज की जाएगी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, जो कि दोस्तों जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम
अपडेट मिल सके। दोस्तों ये मूवी 1 नवंबर 2024 को इस दिवाली पर रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को दिवाली पर देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की। जो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोण, अजय देवगन, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, विक्की कौशल, करीना कपूर और अर्जुन कपूर आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आप अपनी फैमिली के साथ एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी का बजट था 350 करोड़ से 375 करोड़ के करीब। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सिंघम अगेन रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित एक आगमनी भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रिलायंस एंटरटेनमेंट, जियो स्टूडियो और अजित देवगन फिल्म के तहत रोहित शेट्टी पिक्चर्स के तहत इसे निर्मित भी किया था। फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में है। उनके साथ करीना कपूर खान, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर और जेके श्रॉफ हैं। यह सेटी कॉपी यूनिवर्स की पांचवी किस्त है और सिंघम रिटर्न 2014 का सीधा स्केल है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2017 में सिंघम 3 के तहत की गई थी और आधारिक शीर्ष पर घोषणा 2022 में की गई थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2023 में शुरू हुई और सितंबर 2024 में समाप्त हो गई थी। फिल्म की शूटिंग बम्बई, हैदराबाद, कश्मीर, श्रीलंका में हुई है। यह दीपावली के साथ मेल खाते में 1 नवंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। बाजीराव सिंघम रामायण के अनुसरण के करना पड़ता है, जबकि उनकी पत्नी अगवनी आतंकवादी डेजर लंका का द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। दूसरा शेड्यूल 5 अक्टूबर को हैदराबाद में शुरू हुआ था, जहां सबकी कलाकारों के साथ फिल्म के बड़े हिस्से पर जिसमें एक्शन में भरपूर क्लाइमेक्स भी शामिल किए गए थे शूटिंग की गई थी। करीना कपूर 6 अक्टूबर को सेट पर शामिल हुई थी। अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर सेट पर शामिल हुए थे। अक्षय कुमार के 15 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा दिया था। रणवीर सिंह के 20 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा कर लिया था। दूसरा शेड्यूल 7 नवंबर को पूरा किया गया था। तो दोस्तों आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 3 घंटा में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को 3 घंटे के अंदर देख पाएंगे। दोस्तों दिवाली पर आप अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप सिंघम अगेन मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिंघम अगेन मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको 1 नवंबर 2024 को रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में तो
तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, जो कि दोस्तों जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों यह मूवी 1 नवंबर 2024 को इस दिवाली पर रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को दिवाली पर देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की। जो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोण, अजय देवगन, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, विक्की कौशल, करीना कपूर और अर्जुन कपूर आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आप अपनी फैमिली के साथ एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी का बजट था 350 करोड़ से 375 करोड़ के करीब। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सिंघम अगेन रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित एक आगमनी भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रिलायंस एंटरटेनमेंट, जियो स्टूडियो और अजित देवगन फिल्म के तहत रोहित शेट्टी पिक्चर्स के तहत इसे निर्मित भी किया था। फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में है, उनके साथ करीना कपूर खान, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर और जेके श्रॉफ हैं। यह सेटी कॉपी यूनिवर्स की पांचवी किस्त है और सिंघम रिटर्न 2014 का सीधा स्केल है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2017 में सिंघम 3 के तहत की गई थी और आधारिक शीर्ष पर घोषणा 2022 में की गई थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2023 में शुरू हुई और सितंबर 2024 में समाप्त हो गई थी। फिल्म की शूटिंग बम्बई, हैदराबाद, कश्मीर, श्रीलंका में हुई है। यह दीपावली के साथ मेल खाते में 1 नवंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। बाजीराव सिंघम रामायण के अनुसरण के करना पड़ता है, जबकि उनकी पत्नी अगवनी आतंकवादी डेजर लंका का द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। दूसरा शेड्यूल 5 अक्टूबर को हैदराबाद में शुरू हुआ था, जहां सबकी कलाकारों के साथ फिल्म के बड़े हिस्से पर जिसमें एक्शन में भरपूर क्लाइमेक्स भी शामिल किए गए थे शूटिंग की गई थी। करीना कपूर 6 अक्टूबर को सेट पर शामिल हुई थी। अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर सेट पर शामिल हुए थे। अक्षय कुमार के 15 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा दिया था। रणवीर सिंह के 20 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा कर लिया था। दूसरा शेड्यूल 7 नवंबर को पूरा किया गया था। तो दोस्तों आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 3 घंटा में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को 3 घंटे के अंदर देख पाएंगे। दोस्तों दिवाली पर आप अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप सिंघम अगेन मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिंघम अगेन मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो
इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको 1 नवंबर 2024 को रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, जो कि दोस्तों जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों यह मूवी 1 नवंबर 2024 को इस दिवाली पर रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को दिवाली पर देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की। जो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोण, अजय देवगन, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, विक्की कौशल, करीना कपूर और अर्जुन कपूर आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आप अपनी फैमिली के साथ एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी का बजट था 350 करोड़ से 375 करोड़ के करीब। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सिंघम अगेन रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित एक आगमनी भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रिलायंस एंटरटेनमेंट, जियो स्टूडियो और अजित देवगन फिल्म के तहत रोहित शेट्टी पिक्चर्स के तहत इसे निर्मित भी किया था। फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में है, उनके साथ करीना कपूर खान, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर और जेके श्रॉफ हैं। यह सेटी कॉपी यूनिवर्स की पांचवी किस्त है और सिंघम रिटर्न 2014 का सीधा स्केल है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2017 में सिंघम 3 के तहत की गई थी और आधारिक शीर्ष पर घोषणा 2022 में की गई थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2023 में शुरू हुई और सितंबर 2024 में समाप्त हो गई थी। फिल्म की शूटिंग बम्बई, हैदराबाद, कश्मीर, श्रीलंका में हुई है। यह दीपावली के साथ मेल खाते में 1 नवंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। बाजीराव सिंघम रामायण के अनुसरण के करना पड़ता है, जबकि उनकी पत्नी अगवनी आतंकवादी डेजर लंका का द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। दूसरा शेड्यूल 5 अक्टूबर को हैदराबाद में शुरू हुआ था, जहां सबकी कलाकारों के साथ फिल्म के बड़े हिस्से पर, जिसमें एक्शन में भरपूर क्लाइमेक्स भी शामिल किए गए थे, शूटिंग की गई थी। करीना कपूर 6 अक्टूबर को सेट पर शामिल हुई थी। अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर सेट पर शामिल हुए थे। अक्षय कुमार के 15 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा दिया था। रणवीर सिंह के 20 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा कर लिया था। दूसरा शेड्यूल 7 नवंबर को पूरा किया गया था। तो दोस्तों आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 3 घंटा में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को 3 घंटे के अंदर देख पाएंगे। दोस्तों दिवाली पर आप अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप सिंघम अगेन मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिंघम अगेन मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी है
और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है। तो दोस्तों, आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको 1 नवंबर 2024 को रिलीज की जाएगी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, जो कि दोस्तों जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। दोस्तों, आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों, यह मूवी 1 नवंबर 2024 को इस दिवाली पर रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को दिवाली पर देख सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की। जो दोस्तों, इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोण, अजय देवगन, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, विक्की कौशल, करीना कपूर और अर्जुन कपूर आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, आप अपनी फैमिली के साथ एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी का बजट था 350 करोड़ से 375 करोड़ के करीब। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सिंघम अगेन रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित एक आगमनी भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रिलायंस एंटरटेनमेंट, जियो स्टूडियो और अजित देवगन फिल्म के तहत रोहित शेट्टी पिक्चर्स के तहत इसे निर्मित भी किया था। फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में है, उनके साथ करीना कपूर खान, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर और जेके श्रॉफ हैं। यह सेटी कॉपी यूनिवर्स की पांचवी किस्त है और सिंघम रिटर्न 2014 का सीधा स्केल है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2017 में सिंघम 3 के तहत की गई थी और आधारिक शीर्ष पर घोषणा 2022 में की गई थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2023 में शुरू हुई और सितंबर 2024 में समाप्त हो गई थी। फिल्म की शूटिंग बम्बई, हैदराबाद, कश्मीर, श्रीलंका में हुई है। यह दीपावली के साथ मेल खाते में 1 नवंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। बाजीराव सिंघम रामायण के अनुसरण के करना पड़ता है, जबकि उनकी पत्नी अगवनी आतंकवादी डेजर लंका का द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। दूसरा शेड्यूल 5 अक्टूबर को हैदराबाद में शुरू हुआ था, जहां सबकी कलाकारों के साथ फिल्म के बड़े हिस्से पर, जिसमें एक्शन में भरपूर क्लाइमेक्स भी शामिल किए गए थे, शूटिंग की गई थी। करीना कपूर 6 अक्टूबर को सेट पर शामिल हुई थी। अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर सेट पर शामिल हुए थे। अक्षय कुमार के 15 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा दिया था। रणवीर सिंह के 20 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा कर लिया था। दूसरा शेड्यूल 7 नवंबर को पूरा किया गया था। तो दोस्तों, आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 3 घंटा में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को 3 घंटे के अंदर देख पाएंगे। दोस्तों, दिवाली पर आप अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा।
तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप सिंघम अगेन मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिंघम अगेन मूवी के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको 1 नवंबर 2024 को रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, जो कि दोस्तों जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों यह मूवी 1 नवंबर 2024 को इस दिवाली पर रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को दिवाली पर देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की। जो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोण, अजय देवगन, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, विक्की कौशल, करीना कपूर और अर्जुन कपूर आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आप अपनी फैमिली के साथ एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी का बजट था 350 करोड़ से 375 करोड़ के करीब। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारे YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सिंघम अगेन रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित एक आगमनी भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रिलायंस एंटरटेनमेंट, जियो स्टूडियो और अजित देवगन फिल्म के तहत रोहित शेट्टी पिक्चर्स के तहत इसे निर्मित भी किया था। फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में है, उनके साथ करीना कपूर खान, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर और जेके श्रॉफ हैं। यह सेटी कॉपी यूनिवर्स की पांचवी किस्त है और सिंघम रिटर्न 2014 का सीधा स्केल है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2017 में सिंघम 3 के तहत की गई थी और आधारिक शीर्ष पर घोषणा 2022 में की गई थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2023 में शुरू हुई और सितंबर 2024 में समाप्त हो गई थी। फिल्म की शूटिंग बम्बई, हैदराबाद, कश्मीर, श्रीलंका में हुई है। यह दीपावली के साथ मेल खाते में 1 नवंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। बाजीराव सिंघम रामायण के अनुसरण के करना पड़ता है, जबकि उनकी पत्नी अगवनी आतंकवादी डेजर लंका का द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। दूसरा शेड्यूल 5 अक्टूबर को हैदराबाद में शुरू हुआ था, जहां सबकी कलाकारों के साथ फिल्म के बड़े हिस्से पर जिसमें एक्शन में भरपूर क्लाइमेक्स भी शामिल किए गए थे शूटिंग की गई थी। करीना कपूर 6 अक्टूबर को सेट पर शामिल हुई थी। अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर सेट पर शामिल हुए थे। अक्षय कुमार के 15 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा दिया था। रणवीर सिंह के 20 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा कर लिया था। दूसरा शेड्यूल 7 नवंबर को पूरा किया गया था। तो दोस्तों आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है
तो हम हमारी YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 3 घंटा में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को 3 घंटे के अंदर देख पाएंगे। दोस्तों दिवाली पर आप अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप सिंघम अगेन मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिंघम अगेन मूवी के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको 1 नवंबर 2024 को रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, जो कि दोस्तों जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों यह मूवी 1 नवंबर 2024 को इस दिवाली पर रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को दिवाली पर देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की। जो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोण, अजय देवगन, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, विक्की कौशल, करीना कपूर और अर्जुन कपूर आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आप अपनी फैमिली के साथ एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी का बजट था 350 करोड़ से 375 करोड़ के करीब। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सिंघम अगेन रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित एक आगमनी भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रिलायंस एंटरटेनमेंट, जियो स्टूडियो और अजित देवगन फिल्म के तहत रोहित शेट्टी पिक्चर्स के तहत इसे निर्मित भी किया था। फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में है, उनके साथ करीना कपूर खान, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर और जेके श्रॉफ हैं। यह सेटी कॉपी यूनिवर्स की 5वीं किस्त है और सिंघम रिटर्न 2014 का सीधा स्केल है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2017 में सिंघम 3 के तहत की गई थी और आधारिक शीर्ष पर घोषणा 2022 में की गई थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2023 में शुरू हुई और सितंबर 2024 में समाप्त हो गई थी। फिल्म की शूटिंग बम्बई, हैदराबाद, कश्मीर, श्रीलंका में हुई है। यह दीपावली के साथ मेल खाते में 1 नवंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। बाजीराव सिंघम रामायण के अनुसरण के करना पड़ता है, जबकि उनकी पत्नी अगवनी आतंकवादी डेजर लंका का द्वारा अपहरण कर लिया जाता है।
दूसरा शेड्यूल 5 अक्टूबर को हैदराबाद में शुरू हुआ था, जहां सबके कलाकारों के साथ फिल्म के बड़े हिस्से पर जिसमें एक्शन में भरपूर क्लाइमेक्स भी शामिल किए गए थे शूटिंग की गई थी। करीना कपूर 6 अक्टूबर को सेट पर शामिल हुई थी। अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर सेट पर शामिल हुए थे। अक्षय कुमार के 15 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा दिया था। रणवीर सिंह के 20 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा कर लिया था। दूसरा शेड्यूल 7 नवंबर को पूरा किया गया था। तो दोस्तों, आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 3 घंटा में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को 3 घंटे के अंदर देख पाएंगे। दोस्तों, दिवाली पर आप अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप सिंघम अगेन मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिंघम अगेन मूवी के बारे में। तो दोस्तों, यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है। तो दोस्तों, आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको 1 नवंबर 2024 को रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, जो कि दोस्तों जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। दोस्तों, आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों, यह मूवी 1 नवंबर 2024 को इस दिवाली पर रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को दिवाली पर देख सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की। जो दोस्तों, इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोण, अजय देवगन, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, विक्की कौशल, करीना कपूर और अर्जुन कपूर आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, आप अपनी फैमिली के साथ एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी का बजट था 350 करोड़ से 375 करोड़ के करीब। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सिंघम अगेन रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित एक आगमनी भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रिलायंस एंटरटेनमेंट, जियो स्टूडियो और अजित देवगन फिल्म के तहत रोहित शेट्टी पिक्चर्स के तहत इसे निर्मित भी किया था। फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में है। उनके साथ करीना कपूर खान, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर और जेके श्रॉफ हैं। यह सेटी कॉपी यूनिवर्स की 5वीं किस्त है और सिंघम रिटर्न 2014 का सीधा स्केल है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2017 में सिंघम 3 के तहत की गई थी और आधिकारिक शीर्षक घोषणा 2022 में
की गई थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2023 में शुरू हुई और सितंबर 2024 में समाप्त हो गई थी। फिल्म की शूटिंग बम्बई, हैदराबाद, कश्मीर, श्रीलंका में हुई है। यह दीपावली के साथ मेल खाते में 1 नवंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। बाजीराव सिंघम रामायण के अनुसरण के करना पड़ता है, जबकि उनकी पत्नी अगवनी आतंकवादी डेजर लंका का द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। दूसरा शेड्यूल 5 अक्टूबर को हैदराबाद में शुरू हुआ था, जहां सबकी कलाकारों के साथ फिल्म के बड़े हिस्से पर, जिसमें एक्शन में भरपूर क्लाइमैक्स भी शामिल किए गए थे, शूटिंग की गई थी। करीना कपूर 6 अक्टूबर को सेट पर शामिल हुई थी। अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर सेट पर शामिल हुए थे। अक्षय कुमार के 15 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा दिया था। रणवीर सिंह के 20 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा कर लिया था। दूसरा शेड्यूल 7 नवंबर को पूरा किया गया था। तो दोस्तों, आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 3 घंटा में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को 3 घंटे के अंदर देख पाएंगे। दोस्तों, दिवाली पर आप अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप सिंघम अगेन मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिंघम अगेन मूवी के बारे में। तो दोस्तों, यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है। तो दोस्तों, आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको 1 नवंबर 2024 को रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, जो कि दोस्तों जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। दोस्तों, आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों, यह मूवी 1 नवंबर 2024 को इस दिवाली पर रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को दिवाली पर देख सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की। जो दोस्तों, इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोण, अजय देवगन, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, विक्की कौशल, करीना कपूर और अर्जुन कपूर आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, आप अपनी फैमिली के साथ एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी का बजट था 350 करोड़ से 375 करोड़ के करीब। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सिंघम अगेन रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित एक आगमनी भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रिलायंस एंटरटेनमेंट, जियो स्टूडियो और अजित देवगन फिल्म के तहत रोहित शेट्टी पिक्चर्स के तहत इसे
सह निर्मित भी किया था। फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में है। उनके साथ करीना कपूर खान, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर और जेके श्रॉफ हैं। यह सेठी कॉपी यूनिवर्स की पांचवी किस्त है और सिंघम रिटर्न 2014 का सीधा स्केल है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2017 में सिंघम 3 के तहत की गई थी और आधारिक शीर्ष पर घोषणा 2022 में की गई थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2023 में शुरू हुई और सितंबर 2024 में समाप्त हो गई थी। फिल्म की शूटिंग बम्बई, हैदराबाद, कश्मीर, श्रीलंका में हुई है। यह दीपावली के साथ मेल खाते में 1 नवंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। बाजीराव सिंघम रामायण के अनुसरण के करना पड़ता है, जबकि उनकी पत्नी अगवनी आतंकवादी डेजर लंका का द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। दूसरा शेड्यूल 5 अक्टूबर को हैदराबाद में शुरू हुआ था, जहां सबकी कलाकारों के साथ फिल्म के बड़े हिस्से पर, जिसमें एक्शन में भरपूर क्लाइमेक्स भी शामिल किए गए थे, शूटिंग की गई थी। करीना कपूर 6 अक्टूबर को सेट पर शामिल हुई थी। अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर सेट पर शामिल हुए थे। अक्षय कुमार के 15 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा दिया था। रणवीर सिंह के 20 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा कर लिया था। दूसरा शेड्यूल 7 नवंबर को पूरा किया गया था। तो दोस्तों, आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 3 घंटा में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को 3 घंटे के अंदर देख पाएंगे। दोस्तों, दिवाली पर आप अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप सिंघम अगेन मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिंघम अगेन मूवी के बारे में। तो दोस्तों, यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है। तो दोस्तों, आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको 1 नवंबर 2024 को रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, जो कि दोस्तों जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। दोस्तों, आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों, और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों, यह मूवी 1 नवंबर 2024 को इस दिवाली पर रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को दिवाली पर देख सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की। जो दोस्तों, इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोण, अजय देवगन, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, विक्की कौशल, करीना कपूर और अर्जुन कपूर आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, आप अपनी फैमिली के साथ
एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा दोस्तों। यह मूवी आपको काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है दोस्तों। बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट था 350 करोड़ से 375 करोड़ के करीब। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए दोस्तों। और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सिंघम अगेन रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित एक आगमनी भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रिलायंस एंटरटेनमेंट, जियो स्टूडियो और अजीत देवगन फिल्म के तहत रोहित शेट्टी पिक्चर्स के तहत इसे निर्मित भी किया था। फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में है, उनके साथ करीना कपूर खान, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर और जेके श्रॉफ हैं। यह सेटी कॉपी यूनिवर्स की पांचवी किस्त है और सिंघम रिटर्न 2014 का सीधा स्केल है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2017 में सिंघम 3 के तहत की गई थी और आधारिक शीर्ष पर घोषणा 2022 में की गई थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2023 में शुरू हुई और सितंबर 2024 में समाप्त हो गई थी। फिल्म की शूटिंग बम्बई, हैदराबाद, कश्मीर, श्रीलंका में हुई है। यह दीपावली के साथ मेल खाते में 1 नवंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। बाजीराव सिंघम रामायण के अनुसरण के करना पड़ता है, जबकि उनकी पत्नी अगवनी आतंकवादी डेजर लंका का द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। दूसरा शेड्यूल 5 अक्टूबर को हैदराबाद में शुरू हुआ था, जहां सबकी कलाकारों के साथ फिल्म के बड़े हिस्से पर जिसमें एक्शन में भरपूर क्लाइमेक्स भी शामिल किए गए थे शूटिंग की गई थी। करीना कपूर 6 अक्टूबर को सेट पर शामिल हुई थी। अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर सेट पर शामिल हुए थे। अक्षय कुमार के 15 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा दिया था, रणवीर सिंह के 20 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा कर लिया था। दूसरा शेड्यूल 7 नवंबर को पूरा किया गया था। तो दोस्तों आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों। और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 3 घंटा में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को 3 घंटे के अंदर देख पाएंगे दोस्तों। दिवाली पर आप अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप सिंघम अगेन मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिंघम अगेन मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको 1 नवंबर 2024 को रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, जो कि दोस्तों जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है दोस्तों। और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम
अपडेट मिल सके। दोस्तों ये मूवी 1 नवंबर 2024 को इस दिवाली पर रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को दिवाली पर देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की। जो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोण, अजय देवगन, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, विक्की कौशल, करीना कपूर और अर्जुन कपूर आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आप अपनी फैमिली के साथ एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी का बजट था 350 करोड़ से 375 करोड़ के करीब। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सिंघम अगेन रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित एक आगमनी भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रिलायंस एंटरटेनमेंट, जियो स्टूडियो और अजित देवगन फिल्म के तहत रोहित शेट्टी पिक्चर्स के तहत इसे सह निर्मित भी किया था। फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में है। उनके साथ करीना कपूर खान, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर और जेके श्रॉफ हैं। यह सेटी कॉपी यूनिवर्स की पांचवी किस्त है और सिंघम रिटर्न 2014 का सीधा स्केल है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2017 में सिंघम 3 के तहत की गई थी और आधारिक शीर्ष पर घोषणा 2022 में की गई थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2023 में शुरू हुई और सितंबर 2024 में समाप्त हो गई थी। फिल्म की शूटिंग बम्बई, हैदराबाद, कश्मीर, श्रीलंका में हुई है। यह दीपावली के साथ मेल खाते में 1 नवंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। बाजीराव सिंघम रामायण के अनुसरण के करना पड़ता है, जबकि उनकी पत्नी अगवनी आतंकवादी डेजर लंका का द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। दूसरा शेड्यूल 5 अक्टूबर को हैदराबाद में शुरू हुआ था, जहां सबके कलाकारों के साथ फिल्म के बड़े हिस्से पर जिसमें एक्शन में भरपूर क्लाइमेक्स भी शामिल किए गए थे शूटिंग की गई थी। करीना कपूर 6 अक्टूबर को सेट पर शामिल हुई थी। अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर सेट पर शामिल हुए थे। अक्षय कुमार के 15 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा दिया था। रणवीर सिंह के 20 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा कर लिया था। दूसरा शेड्यूल 7 नवंबर को पूरा किया गया था। तो दोस्तों आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी YouTube चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 3 घंटा में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को 3 घंटे के अंदर देख पाएंगे। दोस्तों दिवाली पर आप अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप सिंघम अगेन मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिंघम अगेन मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको 1 नवंबर 2024 को रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में।
तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, जो कि दोस्तों जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों यह मूवी 1 नवंबर 2024 को इस दिवाली पर रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को दिवाली पर देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की। जो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोण, अजय देवगन, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, विक्की कौशल, करीना कपूर और अर्जुन कपूर आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आप अपनी फैमिली के साथ एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी का बजट था 350 करोड़ से 375 करोड़ के करीब। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सिंघम अगेन रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित एक आगमनी भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रिलायंस एंटरटेनमेंट, जियो स्टूडियो और अजीत देवगन फिल्म के तहत रोहित शेट्टी पिक्चर्स के तहत इसे सर निर्मित भी किया था। फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में है, उनके साथ करीना कपूर खान, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर और जेके श्रॉफ हैं। यह सेटी कॉपी यूनिवर्स की पांचवी किस्त है और सिंघम रिटर्न 2014 का सीधा स्केल है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2017 में सिंघम 3 के तहत की गई थी और आधारिक शीर्ष पर घोषणा 2022 में की गई थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2023 में शुरू हुई और सितंबर 2024 में समाप्त हो गई थी। फिल्म की शूटिंग बम्बई, हैदराबाद, कश्मीर, श्रीलंका में हुई है। यह दीपावली के साथ मेल खाते में 1 नवंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। बाजीराव सिंघम रामायण के अनुसरण के करना पड़ता है, जबकि उनकी पत्नी अगवनी आतंकवादी डेजर लंका का द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। दूसरा शेड्यूल 5 अक्टूबर को हैदराबाद में शुरू हुआ था, जहां सबके कलाकारों के साथ फिल्म के बड़े हिस्से पर जिसमें एक्शन में भरपूर क्लाइमेक्स भी शामिल किए गए थे शूटिंग की गई थी। करीना कपूर 6 अक्टूबर को सेट पर शामिल हुई थी। अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर सेट पर शामिल हुए थे। अक्षय कुमार के 15 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा दिया था। रणवीर सिंह के 20 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा कर लिया था। दूसरा शेड्यूल 7 नवंबर को पूरा किया गया था। तो दोस्तों आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 3 घंटा में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को 3 घंटे के अंदर देख पाएंगे। दोस्तों दिवाली पर आप अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप सिंघम अगेन मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिंघम अगेन मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो
इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी आपको 1 नवंबर 2024 को रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करें इस मूवी के बारे में, तो यह मूवी एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, जो कि दोस्तों जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों यह मूवी 1 नवंबर 2024 को इस दिवाली पर रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को दिवाली पर देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की। दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोण, अजय देवगन, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, विक्की कौशल, करीना कपूर और अर्जुन कपूर आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आप अपनी फैमिली के साथ एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी का बजट था 350 करोड़ से 375 करोड़ के करीब। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सिंघम अगेन रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित एक आगमनी भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रिलायंस एंटरटेनमेंट, जियो स्टूडियो और अजीत देवगन फिल्म के तहत रोहित शेट्टी पिक्चर्स के तहत इसे सह निर्मित भी किया था। फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में है। उनके साथ करीना कपूर खान, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर और जेके श्रॉफ हैं। यह सेटी कॉपी यूनिवर्स की पांचवी किस्त है और सिंघम रिटर्न 2014 का सीधा स्केल है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2017 में सिंघम 3 के तहत की गई थी और आधारिक शीर्ष पर घोषणा 2022 में की गई थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2023 में शुरू हुई और सितंबर 2024 में समाप्त हो गई थी। फिल्म की शूटिंग बम्बई, हैदराबाद, कश्मीर, श्रीलंका में हुई है। यह दीपावली के साथ मेल खाते में 1 नवंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। बाजीराव सिंघम रामायण के अनुसरण के करना पड़ता है, जबकि उनकी पत्नी अगवनी आतंकवादी डेजर लंका का द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। दूसरा शेड्यूल 5 अक्टूबर को हैदराबाद में शुरू हुआ था, जहां सबके कलाकारों के साथ फिल्म के बड़े हिस्से पर, जिसमें एक्शन में भरपूर क्लाइमेक्स भी शामिल किए गए थे, शूटिंग की गई थी। करीना कपूर 6 अक्टूबर को सेट पर शामिल हुई थी। अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर सेट पर शामिल हुए थे। अक्षय कुमार के 15 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा दिया था। रणवीर सिंह के 20 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा कर लिया था। दूसरा शेड्यूल 7 नवंबर को पूरा किया गया था। तो दोस्तों आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 3 घंटा में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को 3 घंटे के अंदर देख पाएंगे। दोस्तों दिवाली पर आप अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप सिंघम अगेन मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिंघम अगेन मूवी के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी कौन सी है
और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया गया है। तो दोस्तों आप एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको 1 नवंबर 2024 को रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना। अब बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी एक एक्शन एंड थ्रिलर फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने, जो कि दोस्तों जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। दोस्तों यह मूवी 1 नवंबर 2024 को इस दिवाली पर रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को दिवाली पर देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के मुख्य कलाकारों की। जो दोस्तों इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे दीपिका पादुकोण, अजय देवगन, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, विक्की कौशल, करीना कपूर और अर्जुन कपूर आदि बड़े कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आप अपनी फैमिली के साथ एक बार तो इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी का बजट था 350 करोड़ से 375 करोड़ के करीब। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों आपको एक बार तो यह मूवी जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। सिंघम अगेन रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित एक आगमनी भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिन्होंने रिलायंस एंटरटेनमेंट, जियो स्टूडियो और अजीत देवगन फिल्म के तहत रोहित शेट्टी पिक्चर्स के तहत इसे सह निर्मित भी किया था। फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में है, उनके साथ करीना कपूर खान, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर और जेके श्रॉफ हैं। यह सेटी कॉपी यूनिवर्स की पांचवी किस्त है और सिंघम रिटर्न 2014 का सीधा स्केल है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2017 में सिंघम 3 के तहत की गई थी और आधारिक शीर्ष पर घोषणा 2022 में की गई थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2023 में शुरू हुई और सितंबर 2024 में समाप्त हो गई थी। फिल्म की शूटिंग मुंबई, हैदराबाद, कश्मीर, श्रीलंका में हुई है। यह दीपावली के साथ मेल खाते में 1 नवंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। बाजीराव सिंघम रामायण के अनुसरण के करना पड़ता है, जबकि उनकी पत्नी अगवनी आतंकवादी डेजर लंका का द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। दूसरा शेड्यूल 5 अक्टूबर को हैदराबाद में शुरू हुआ था, जहां सबके कलाकारों के साथ फिल्म के बड़े हिस्से पर जिसमें एक्शन में भरपूर क्लाइमेक्स भी शामिल किए गए थे शूटिंग की गई थी। करीना कपूर 6 अक्टूबर को सेट पर शामिल हुई थी। अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर सेट पर शामिल हुए थे। अक्षय कुमार के 15 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा दिया था। रणवीर सिंह के 20 अक्टूबर को अपना हिस्सा पूरा कर लिया था। दूसरा शेड्यूल 7 नवंबर को पूरा किया गया था। तो दोस्तों आप इसी प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। दोस्तों और भी कोई बड़ी खबर अगर सामने निकल कर आती है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर बता देंगे, तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी का टाइम लेंथ हमें 3 घंटा में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, आप इस मूवी को 3 घंटे के अंदर देख पाएंगे। दोस्तों दिवाली पर आप अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा।
तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।